हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे संडे स्पेशल। तो ये देखिए, हमने छोले भिगो के रखे थे, हमारे छोले अच्छे से भीग गए हैं 3 से 4 घंटे में। अब हम इन्हें उबालने को रखते हैं। इसमें हम 3-4 आलू डालेंगे। एक चम्मच नमक डाल देंगे उबालने में, और तो फिर मसाले में डालेंगे और पानी। अब हम इसे उबालने के लिए रखते हैं। चलिए, जब तक हमारे छोले होते हैं तब तक हम ये मसाले की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारे 3 टमाटर हैं, 2 प्याज, 6-7 जवां लहसुन और छोटी सी अदरक। हम इसे इसमें पीसेंगे, क्योंकि मिक्सी में पीसेंगे तो मिक्सी में वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है, तो उससे छोले अच्छे नहीं लगते। पहले हम टमाटर पीस लेते हैं। ये देखिए, हमारा मसाला पिस गया। अब हम सलाद की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, प्याज हमारे लहसुन वाले, ये हमारी लंबी लंबी गाजरें, हरी मिर्च, और इसमें 1 चम्मच हम अचार का मसाला डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, जब तक हमारे छोले भटूरे बनेंगे तब ये हमारा सलाद जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और ये खाने में छोले भटूरे के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी बना के देखिएगा एक बार, देखते हैं पक गया नहीं। पक गए आलू, पक गए छोले भी, पक गए। ये देखिए, तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। 1 चम्मच हमारी हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी और 1 चम्मच हमारा छोले मसाले, और 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे जब हमारे छोले पक जाएंगे, उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। हमने भगोना चढ़ाया है, अब गैस चलाते हैं, अपने छोले छौंकते हैं। हमारा भगोना अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें तेल डालेंगे। Wow.
देखिए हमारा भगोना अच्छे से गर्म हो गया है और हम इसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अब हमारा प्याज पकने लगा है। हमारा प्याज पक गया है, जो हमने ये टमाटर और प्याज और अदरक लहसुन पीस के रखा था अब हम वो डालेंगे इसमें। थोड़ी देर इसे अच्छे से भूंज लेंगे। और इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे। एक चम्मच नमक हमने जब छोले उबाले थे तब डाला और एक चम्मच नमक अब, और बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखिए हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से हो गया है थोड़ा सा, अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं अपना। और ये हमारा चाय का पानी है, जो जब हमने चाय बनाई थी तभी इसे निकाल लिया था, आधा गिलास के करीब है। इसे हम छोले में डालेंगे तो हमारे छोले का कलर बहुत अच्छा आता है। हमने उबालने में वो चाय की पत्ती की पोटली वगैरह ये चीज़ें नहीं डाली, तो इसलिए हमने पानी निकाल लिया था, तो हम पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। और ये आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया, ये भी हम इसमें ही डालेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें छोले डालते हैं। साथ में ये आलू जो हमने बॉईल किए थे,
इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जी हो गया, इसमें हम ये चाय की पत्ती का पानी डालते हैं थोड़ा सा। आधा गिलास पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा छोले मसाले और डालेंगे। एक चम्मच हमने पहले डाला था, ये थोड़ा सा गिर गया, और एक चम्मच बाद में। अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे खोलने के लिए छोड़ देंगे, और बाद में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। तब तक हमारे छोले पकते हैं, तब तक हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। ये खीरा, ये दही है और ये खीरा। क्योंकि छोले भटूरे थोड़े से भारी हो जाएंगे, इस वजह से रायता ज़रूरी है। ये देखिए हमारी खीरा अच्छे से कस गया, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और इसमें आप चाहें तो इसमें जीरा भूंज के भी डाल सकते हैं, या तेल में छौंका भी लगा सकते हैं। तब तक हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारा एक कटोरी मैदा, अभी एक कटोरी और लेंगे, पहले हम इसे छान लेते हैं। ये हमारा दूसरी कटोरी मैदा। और इसमें 3 से 4 चम्मच हम सूजी डालेंगे, जिससे हमारे भटूरे अच्छे कुरकुरे बनेंगे थोड़े से। आधा चम्मच नमक, ये थोड़ा सा दही, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इनो जो है हम बाद में डालेंगे। ये देखिए अपने छोले खोल के देखते हैं हमारे छोले कैसे हुए। ये देखिए हमारे छोले अच्छे से खोल गए हैं। अब इसमें हम हरी धनिया डालते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारे छोले तैयार। अब हम भटूरे बनाने की तैयारी करते हैं। देखिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, अब हम इसमें रिफाइंड डालते हैं।
तब तक हमारा तेल अच्छे से होता है, तब तक हम अपना आटा देख लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। इसमें थोड़ा सा पहले हम तेल डालेंगे। अब इसे अच्छे से ये देखिए कितना अच्छे से हमारा आटा हो गया। इसके पेड़े निकाल लेते हैं ऐसे, ऐसे करेंगे तो हमारे एक साइज के ही सारे भटूरे बनेंगे। हम भटूरों को अच्छे से निकाल लेंगे। इस पे हम थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे। ऐसे एक ही साइड से पहले बेलेंगे। ये देखिए अब इसे उठा के ऐसे ये देखिए बन गया हमारा। ये तेल हम अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक हमारा तेल खोलने लगे ना लगे सॉरी जब तक हमारा तेल अच्छे से खोलने लगेगा उसके बाद हम भटूरा डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें भटूरा डालते हैं और इसमें ऊपर से तेल डालते रहेंगे। ये देखिए इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा डालेंगे। ऐसे ही हम सारे भटूरे बना लेंगे।
ये देखिए हमारी प्लेट तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।